दोस्तों यदि आपको भी विराट कोहली का चीकू नाम पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। साथ ही हमें बताएं कि आपको घर पर किस नाम से पुकारते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने और T20 सीरीज के शुरू होने से पहले भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी आराम करते हुए नजर आ रहे हैं। टीम के कप्तान विराट कोहली भी इस दौरान मुंबई में एक टीवी शो के दौरान अभिनेता आमिर खान के साथ नजर आए। इस दौरान आमिर खान से हुई ही बातचीत में कोहली ने अपने निकनेम चीकू को लेकर बड़ा खुलासा किया है। विराट कोहली ने अपने चीकू नाम को लेकर कहा कि अपने शुरुआती दिनों में अंडर-17 टीम से खेलते हुए उन्होंने एक दिन हेयर कट करवाया और उस हेयर कट में उनके कान बड़े और बाल छोटे नजर आ रहे थे, इसलिए उनके साथी खिलाड़ियों ने उन्हें खरगोश के रूप में देखते हुए उनका नाम चीकू रख दिया था। लेकिन इस नाम को ज्यादा प्रसिद्ध करने का श्रेय उन्होंने टीम के पूर्व कप्तान और मौजूदा विकेटकीपर एमएस धोनी को दिया है। कोहली ने कहा कि एमएस धोनी हर मैच में उनका नाम स्टंप माइक पर लगातार बुलाते रहते हैं, उसी कारण मेरा नाम चीकू ज्यादा प्रसिद्ध हो गया है। विराट कोहली विश्व कप 2011 के फाइनल में सचिन तेंदुलकर के आउट होने पर जब बल्लेबाजी के लिए मैदान में जा रहे थे, उसे लेकर भी अभिनेता आमिर खान ने उनसे सवाल किया। कोहली ने जवाब देते हुए कहा कि सचिन के आउट होने पर सभी सोच रहे थे कि यह मैच अब हम हार जाएंगे, लेकिन हमने डटकर मुकाबला किया और भारत के लिए विश्व कप जीता। विराट कोहली ने गौतम गंभीर के साथ मुश्किल समय में 83 रनों की साझेदारी कर भारत को मैच में वापसी कराई थी, जिसके कारण भारत ने 28 साल बाद एक बार फिर से विश्व कप अपने नाम किया था। भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने वनडे सीरीज और T20 सीरीज के दौरान मिले आराम में आमिर खान के साथ एक टीवी शो में हिस्सा लिया। भारत ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज की शुरुआत 7 अक्टूबर से होगी, उसके लिए वह टीम के साथ जल्द ही जुड़ेंगे।